और चलिए सीधा रुख करते हैं, मंत्री रविंद्र चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। केंद्र की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, एक गरीब के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने का वायदा किया और कल ही रसोई गैस 1,000 रुपया पार और पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया है। तो लगातार झूठ और लूट की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2,500 रुपया देने की बात कही, किसानों के खाते में पैसा गया। हमने गोपालकों को 2 रुपया किलो गोबर खरीदी करने की बात कही, 138 करोड़ रुपया गोपालकों के खाते में गया। 7,000 रुपया प्रति गरीब, जो खेतिहर मजदूर न्याय योजना है, हम अपने किसानों को, गरीबों को दे रहे हैं। तेंदुपत्ता 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा है, हम अपने वनवासी भाई को दे रहे हैं। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, और दोनों में अंतर है कि दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, और आदरणीय भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए जनमानस कांग्रेस के साथ है, हम खैरागढ़ भी जीतेंगे। अभी जो बैठक हुई, आने वाले समय में खैरागढ़ चुनाव में किनको किनको किस तरीके से जवाबदारी देना है और संसाधन किस तरीके से हम लोगों को शुरुआत करना है। कल ही तो नामांकन हुआ हमारी कैंडिडेट का, आज प्राइमरी बैठक थी। अब खैरागढ़ जाएंगे, छुईखदान जाएंगे, वहाँ चुनाव की तैयारियों का हम लोग मुआयना करेंगे। मंत्री विधायकों की भी ड्यूटी लगेगी? हमें लगता है कांग्रेस के सारे लोगों की हम ड्यूटी लगाएंगे। चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है और हमें चुनाव जीतना है। निश्चित रूप से खैरागढ़ जीतने के लिए जो जो भी लोग आवश्यक होंगे उन सबकी ड्यूटी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाएगी। बीजेपी ने 5 मंडल था वो हर मंडल में नियुक्त किया है, जिसमें धर्मलाल कौशिक भी है, ब्रजमोहन अग्रवाल भी है, तो बड़ा माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि चुनाव को कोई हल्के पे नहीं लेता, और उनकी प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी के आने के बाद ये पहली बार लग रहा है, विधानसभा में हम लोगों ने देखा और चुनाव में जिस तरीके से ड्यूटी लगाया गया है, तो ठीक है, वो अपनी पार्टी के अपने लोगों की ड्यूटी वो लोग लगा रहे हैं। हम लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जनता के नज़र के सामने सारे चूके हुए नेता हैं, उनकी ड्यूटी लगाने से भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुनिश्चित जीत कांग्रेस की होगी। रमन सिंह ने बोला है कि कांग्रेस में ऐसा प्रत्याशी चुना है जिसको जानते नहीं है, उनके पहचान बनाने में समय लग जाएगा। मुझे लगता है कि अब ये डॉक्टर रमन सिंह जी का या भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर साहब लगातार स्मृति लोप के शिकार होते जा रहे हैं। आदरणीय यशोदा वर्मा जिसको कैंडिडेट बनाया गया है, वो जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं। अगर उसको भी अगर डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं कोई नहीं पहचानता, तो रमन सिंह जी को मैं ऐसा समझता हूँ कि वो जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते ना, भूलने की आदत सी हो गई है, स्मृति लोप के शिकार हैं। ये 31 मार्च को चौथी किस्त जारी कर रहे हैं किसानों को। लगातार हमारी घोषणा है कि हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को देंगे, समर्थन मूल्य में हम धान खरीदी करते हैं, 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका समर्थन मूल्य का छत्तीसगढ़ में, और 5,703 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किसानों के खाते में पिछले साल का जाना है। चौथी किस्त शेष था। हम लोगों ने कहा था कि राजीव जी के जयंती के अवसर पे, राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पे, राज्योत्सव 1 नवंबर को राज्य निर्माण के दिवस के दिन, और वित्तीय वर्ष के अंतिम तारीख को तो ये राशि जारी होना है और किसानों के खाते में जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है। केंद्र की सरकार ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दे रहे हैं, अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी आदमी को 20 नया पैसा नहीं मिला है, और हमने कहा 5,703 करोड़, तो इसका मतलब है 5,703 करोड़ किसानों के खातों में स्थानांतरित हस्तांतरण किए जा रहे हैं। वो आखिरी किस्त